स्पेशली भी देना चाहूँगी कि इन बच्चियों ने जो है वो बहुत एफर्ट की है इस प्लेटफॉर्म को जो है वो यहाँ तक पहुँचाने में, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। फुल क्लैपिंग मुझे। स्टूडेंट भी आज इधर ब्रांड भी तैयार किए हैं मैम किरण के लिए, लास्ट लोग इधर से अवार्ड भी है, भरपूर क्लैपिंग करनी चाहिए। रक्षंदा कैप्टा से उनको वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग, आपकी क्लैपिंग साथ होनी चाहिए। एक मिनट आप स्टेज पर तशरीफ ला कर प्लीज, लास्ट लोग इधर से अवार्ड मैम रक्षंदा के लिए फतेह से हमारी मैडम जो सीओ और फतेह है मैडम नरगिस से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। आपके भरपूर क्लैपिंग है मैम नरगिस को अल फतेह के लिए स्पेशल अवार्ड है। उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि सर आसिफ व्यापारी कुरैशी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए, आपकी क्लैपिंग साथ देगी। और मैम प्रिंसिपल मिस मैडम नगीना भी कर रहे हैं, और फिर आप पूरे पाकिस्तान में जाके कॉलेज बनाते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं, अपना नाम बनाते हैं, तो इदारे तो ये हैं आपके टीचर, तो बहुत खूबसूरत गिफ्ट आपकी क्लैपिंग। अच्छा सर अपना चौक क्लबिंग करेंगे नेक्स्ट लाइबा सलीम जाहिर समिया जाहिर थर्ड दानिया सुहेल दानिया आमी है और इरेज इमरान चौहान इरेज मुख्तार से रिक्वेस्ट है कि वह अपना 2023 जस्ट मेकिंग एंड डिजाइनिंग में है और इकरा जागीर और इकरा जफर 2023 सेशन में है। ये अचीवमेंट सर्टिफिकेट है, इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड में हर सेशन में जो अप्रिसिएशन के अवार्ड भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और लास्ट में आपकी भी चंगल बात होनी चाहिए और पते से मैम नरगिस से आसिफ ने इतनी बातें कर दी कि मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। देखिए मैं एक ही बात करूंगी कि मेहनत नेक नीति ये दो चीजें आपको बहुत आगे निकल जाएंगी बहुत ज्यादा, तो नेक नीति से काम करें मेहनत करें इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा। मेरे सामने जितनी बच्ची बैठी है मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे अल्लाह ने इतनी ज्यादा बेटियां दी हुई है। मैं तो ये कहूंगी बस जो आसिन बातें कर रही आप मैं कुछ बहुत कह ही नहीं सकती, जो इनके पास बातें हैं वो हमारे पास नहीं, जो सच्ची बात जो इनकी नियत है अल्लाह ताला मैं कहती हूँ ऐसी सब की हो ये हर इंसान के लिए अच्छे सोचते हैं अच्छा ही बोलते हैं, जो बात इन्होंने की है कि किसी के पीछे बात नहीं करें, हर इंसान अपने वक्त के साथ आगे जाएगा और इंशाल्लाह सब बच्चियाँ जाएंगी चाहे इधर की है या उधर की है, उन्हें कोटा की है पिंडी से जहाँ से भी है अल्लाह ताला सबको आगे लेके जाए, सिर्फ नेक नीति के साथ आगे बढ़ना सामने देखिएगा चल अर्शीदा आसिफ देखिए जितना मेरा नॉलेज है ना भाभी ये सारी स्टूडेंट बच्चे हैं और हमारे बच्चे भी जब कॉलेज स्कूल जाते हैं तो मस्से 100, 200, 250 रुपया लेके जाते हैं, तो यकीनन बच्चों के पास पैसे नहीं होंगे। मैं आपकी फेवर के लिए बात करने लगा हूँ, अच्छी लगी तो आपके क्लैप करना। आप जो है ना आज मेरे कहने पर अपने बड़े भाई के कहने पर ये जितनी बच्चियाँ आज इधर आई हैं ना
राय साहब आप भी सुन रहे हैं, जितनी बच्चियां इधर आई हैं आप आज इनको ऑफर दें कि ये आपसे जब भी खरीदना चाहे आज वाले दिन की कंसेशन पे ही आप इनको देंगे। हो सकता है आज बच्चियों के पास पैसे नहीं हो, ऐसी बात है ना, और बाद में लेना चाहती हो, बाद में कौन कौन लेना चाहती है, हाथ खड़े करें। ये देखा बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते, तो राय साहब जरा आपने अनाउंस करना है कि आप रियायत देंगे, बोले जी। मेरे प्यारे दोस्त और प्यारे भाई हैं, इनके कहने पे और इनकी सिफारिश पे इंशाल्लाह आप लोग जब भी लश्कर के और प्रोडक्ट लेंगे आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो नहीं चाहिए आपके लिए मैंने बात की है, बहुत शुक्रिया सर आपने मोहब्बत की, बहुत शुक्रिया भाभी, स्टूडेंट बच्चे हैं मुझे इनका ख्याल होता है। रिजल्ट कैसा रहा जरा अपनी क्लैपिंग आपकी बताएंगे। बोनीटा के प्रोडक्ट्स हैं ये, आपको पाकिस्तान में किसी और बंदे से नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ लश ग्रो के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से आपको अवेलेबल होंगे, वो आप ले सकते हैं। और आज की जो ऑफर है उसकी रिकॉर्डिंग किट की वैसे वो 8000 है, लेकिन आज सईद अली बाबा के कहने पे आपको 7000 की। जो बात चल रही थी स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, जो मेरा चैनल है BFPTV इसका एक स्लोगन है, ये BFP मैंने लफ्ज क्यों रखे हैं, ये है ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान। तो हम सब लोग जो सुल्तान साहब हैं, सुराग साहब हैं, वसीम साहब हैं, हम पूरे पाकिस्तान में ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान दिखाते हैं। मेरे चैनल का जो एक छोटा सा लोगो है वो ये है कि हम टीचर्स को हमेशा सलूट करते हैं, आर्मेड फोर्सेस को हमेशा सलूट करते हैं, डॉक्टर्स को हमेशा सलूट करते हैं। तो कल आपने भी टीचर बनना है। छोटी सी एक बात मैं करूँगा, इरम इरम शहजादी, इसके लिए बहुत सारी क्लैप होनी चाहिए। ये जनाब राजा सुल्तान राजा सोराब साहब की दरियाफ्त और सुल्तान रुमेल साहब के प्रमोशन ब्रांड है, और मैं मीना की स्टूडेंट है। तो हम किस तरह प्रमोट करते हैं, जब मुझे इससे मिलवाया गया तो ये दोनों साहिबान पहले मिल चुके थे, तो इसने बड़ी स्ट्रगल की, ये रावलपिंडी आती थी जाती थी, इसने जो मुझसे पहला सवाल किया था वो ये था कि सर मैं क्या कर सकती हूँ, यही सवाल था। तो मैंने इन लोगों को कहा था कि तुम घर से चल के खतरात मोल ले के इख्तियाती रूरल एरिया से शहर में आई हो कुछ करने के लिए, तो मेरा जवाब यह है कि तुम क्या नहीं कर सकती, जो नहीं कर सकती वो हम सकते। तो इन्होंने माशाल्लाह आप में बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं, टीचर्स को मैं देख रहा होता हूँ, जो अपने टीचर्स के काम में कह रही होती हैं मुझे भी सर्टिफिकेट दे। ये ज़िंदगी मेरे ऊपर भी गुजरी है कि मुझे कोई अवार्ड दे, सर्टिफिकेट दे। सुल्तान साहब इस बात के गवाह हैं, मेरी मिसेज ने 20-20 किलो वाले आटे के 2 थैले मेरे अवार्ड्स के भर के कबाड़ी को दे दी, 1-2 नहीं सैकड़ों के हिसाब से। तो आप लोगों ने भी इरम की तरह प्रमोट होना है, मेहनत करनी है, आगे आना है, और एक स्टेज ये आए कि आपकी स्टूडेंट आपको कह रही हो कि टीचर मुझे भी सर्टिफिकेट दिला दे। और मैं बड़ी बात ये समझता हूँ, सबसे बड़ी बात आपको कीमती बताने लगा हूँ, मेरे दाएं पाएं हमेशा दो मुनकर नकीर खड़े हो जाते हैं, मुझे बात करने का मौका नहीं मिलता। आप अवार्ड्स, मैम आप लोग भी सुन रहे हैं, अवार्ड्स देने वाले नहीं, आप उस दिन कामयाब होंगे, अवार्ड देने वाले नहीं होंगे, आप अवार्ड देने वालों में खड़ी होंगे। और ये कोरोना में मैं देखूंगा अगले 2 साल में कितनी बच्चियाँ आगे आती हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों को पता है कि मैं लोकेशन में कुछ को नहीं पता, पहले मैं सिलाई सेंटर में एक कपड़े वगैरह सिलाई किया करती थी, ये मेरी टीचर हैं, इनको मैम नरगिस मैम से सुना। तो
दिमाग की ख्वाहिश थी कि मैं बस डिज़ाइनर बनूँ बट एक तो मेरा खुलिया देख के लग रहा होगा कि मैं डिज़ाइनर भी बन सकती कपड़े सिलाई करने वाली। तो मैंने यकीन मानी बड़ी मुश्किल से मुझे ठोकर लगी है। ऐसी ठोकर होती है ना, शायद मेरे उस्तादों को पता हो, मुझे बस एक ठोकर लगी है। मैंने इस ठोकर से मैंने वो बस सिलाई का मैंने बस दिल टूट गया। मैंने फिर बस मेरा जो एंड लगा वो सर सुल्तान ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, इतना दिया कि मैं आज इस स्टेज पर जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ सर सुल्तान की वजह से। उसके बाद मेरी वो लगात ऐसी हुई तो यकीन मानो मैं जहाँ तक पहुँची हूँ वो कहें मेरे टीचर ने मेरा बहुत साथ दिया। सबसे पहले मैम हिना,